बना रहे थे कि दोनों आदमी आग बबूला बन गया है, काला नाग बन गया है रुदल सिंह। मैं तो ऐसा देख ही नहीं, वो तो ढोलियों से बेहतर है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा, तो क्या बोलते हो तुमसे? कभी कभी मिजाज मती ऐसी हो जाता, करक दल का आदमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन लोग के पास जैसे पहुंची, दोनों आदमी आपस में कोई बात कर रहा था, लेकिन मैं अचानक चुपचाप पहुंच गई। देवर पलट के देखता, एक शर्म के मारे उठकर चल भाग पड़ा वहां से। अच्छा, गोतनी शर्म के मारे घूंघट तान के बैठ गई। मैंने उससे कही कि अभी देखकर मुझे शर्म हो रही है, कल मेरे स्वामीनाथ के सामने में सटा सट बात करने में शर्म नहीं हो रही। सही, बिल्कुल सही कही। मैंने ये भी उसको कही कि कितनी साल की बात तूने आज मेरे मालिक के दरबार गया, मुंह बजाय में कुछ इनाम बख्शी मिला कि नहीं मिला, ऐसा भी बोली थी। जी जी। अच्छा, थोड़ी सी मुस्कुरा कर कही कि बहन मुझसे बहुत भारी गलती हो गई जब मेरे मालिक के पास मैं पहुंच गई। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोची बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आइंदा गलती मत करना। वो बोला वाहन इसे गलती नहीं समझना चाहिए, मेरे पास कोई लालसा लगी हुई थी दिल में जो मैंने अपने पति के पीछे पीछे चली गई। अच्छा, मैंने उससे पूछी कैसी लालसा, उन्होंने कहा 12 साल मुझे बीत गया, बड़े मालिक की दरबार कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं बड़े मालिक की कुर्सी में देखी थी, इसलिए मैं देखने के लिए चली गई थी कि बड़े मालिक किस दरबार में बैठते हैं, कैसे सिंहासन है, कहां छतरी लोग बैठता है। ओहो, ये बात है। जी जी, ठीक, आगे बोलो। मैंने कही कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, आइंदा ऐसा गलती नहीं करना, अगर तुझे और कोई लालसा है तो अभी बता दे। तो दोनों गोतनी चलकर मैं थोड़ी सी उसको दरबार से निकाल कर बैठ कर वहाँ खिस्सा कहानी कह के दिल को भी बहला लूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। होने के बाद मेरे पास एक ललसा और बचा हुआ है, वो ललसा अगर तुम पूरी कर सकती हो तो मैं तुझे बता सकती हूँ। मैंने कही कि तेरे लिए जान भी मेरी हाजिर है। उन्हें कही उस दिन बड़े मालिक के दरबार गई थी, सारा चीज तो बिल्कुल ठीक देखी मैंने, लेकिन दरबार में एक कुर्सी लगा हुआ वो बहुत गलत थे। अगर उस दरबार में 2 कुर्सी लग जाए, दोनों भाई बैठकर आपस में बता विचार करे, तो दरबार की शोभा कुछ और आगे बढ़ जाए। सही बात है, सही। तो सही बात है, तो आप बुला लीजिए रुदल सिंह को, ठीक, और 2 कुर्सी लगा दीजिए और बोल दीजिए रुदल सिंह ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है, आज तारीख से विश्व राज्य बंटवारा है। बुखार उतार देंगे हरामजादी, एक बार तुम्हारा जुबान पर लाए जो राज आज से समझ लो बंटवारा हो गया, तो हरामजादी मारते मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी तार दें। अच्छा, सब बात ठीक है, लेकिन एक बार भी राज के नाम नहीं लेगी जुबान पर। इसका मतलब उसका कोई हक हिस्सा नहीं है, कोई किसी का नहीं, जो कहेगा वही करेंगे हम। क्यों नहीं कीजिएगा, क्या करेगा वो? अपने ये राज के चलते अपने बेटा को अपनी नजरों से खो बैठेगा, उसका बेटा मर जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मरने तो किसी का ठीक है, पत्नी मर जाएगी बहुत आपकी खुशी मनाइएगा। जितना प्यारा आपका बेटा लाडला है उतना दुलारा उसका भी बेटा है, जितनी प्यारी मैं आपकी पत्नी उतनी प्यारी उसकी भी पत्नी है। मजबूरी के हालात में मेरे देवर की जज्बात बिक गया है, तो राज क्यों ना बांट कर आप देते हैं? किसी का बाप के नहीं है, और जो वो कहेगा वही नहीं होगा। किसी का बाप का नहीं है तो आपका भी बाप का नहीं है, तो वो जो कहेगा वही करेंगे। नहीं होगा ऐसा, उन लोगों के सर पर काल सवार हो गया है, प्यार से तो बोला कर मुझे कह दिया कि जाओ तुम्हारा देवर है, जो तुम कहेगी वो मान जाएगा, गोतनी तुम्हारी है तुम उसे मना लेना। उन लोग के पास में गई, क्या मेरा इज्जत किया, मुझे एक लोटा पानी से पूछा, उन लोग बहुत अच्छा इज्जत किया मेरा, आपके रहते हुए मेरी जूड़ा पकड़ के उखाड़ लिया, जूड़ा पकड़ के मार खिलवाने के लिए आप भेज दिए थे मुझे वहां पर। अच्छा, ये बात है, मतलब तुम समझौता करने के लिए तुम्हारे साथ भी बदतमीजी हुई है, और ये राज बंटवारा करके नहीं देगी तो मेरी पत्नी की जूड़ा काट लेगी। और हम जानते मीठी मीठी गोली दे रही थी ना, बड़ी प्यार से आई थी मुझे कहने के लिए। यही तक नहीं है, मैंने 5 मिनट की मोहलत लिया उन लोग से, अगर 10 मिनट पूर जाएगा तो रुदल सिंह आएगा, आपकी बार बर्दाश्त नहीं करेगा, गर्दन पर तलवार चला देगा, वो नागी लाएगी आपके सामने, मुझे जुरा पकड़ के मारेगी। ये राज प्यारा है आपको, यह इज्जत प्रतिष्ठा प्यारा है, ये तो फैसला कर दीजिए। मतलब बात बढ़ता ही चला गया है, हम तो सोचा कि तू समझौता करके आई है, अब भयारी में ठीक ठाक से परिवार चलेगा, लेकिन ये तिल से तार बना दिया है, ये राज बंटवारा करके नहीं देगी तो मेरी पत्नी की जूड़ा काट लेगी, ये राज बंटवारा करके नहीं देगी तो हरम जाता मेरा गर्दन काट लेगा। चुप, मुंह मत कर, ए ए चुप मत कर, ए
मुंह बंद कर, रोने का कोई जरूरत नहीं। माना रही आई बेटी के स्वामी सामा, रिश्ता खत्म यहां से गया भाड़ में, कोई भाई नहीं कोई गोतनी नहीं। जुरावा पकड़िए ललकाए तोरे रानी जी, चीना तो सबका दिन खराब हो गया। तोरी पतिया काला कई छोटकी गोतानी, मतिया बौलाई लई तू सामान के जाय, मतिया बौलाई लई रानी ओहो तू सामान लई जोगिनिया स्वामी एको तनिया माँ रिश्ता छोराई ले कई है हमरो टपकाने की कोई जरूरत नहीं। अरे राज पट गया भाड़ में, कोई जरूरत नहीं। अरे हरम दादा, जब मेरा प्रतिष्ठा नहीं रह गया, मेरी रानी की प्रतिष्ठा में अगर किसी तरह के विघ्न पैदा हो गया तो राज रह करके क्या करेंगे। सुन, अभी बुला इसी वक्त और 5 मिनट के अंदर में राज को बंटवारा करके देंगे। लेकिन सुन, आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं, उसे राज चाहिए ना, राज देंगे बांट करके। और कान खोल करके सुन, बीच में एक को लफ्ज तू अगर दखल अंदाजी की ने, हरमजादी इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी उतर दी। बुला अभी, बुला जी, बुला भी, शांत हो जाइए ना, बुला अभी, बुखार उतार देंगे, बुला। इस तरह गुस्सा में राज बांट कर दीजिएगा आप। हरमजादी खून गर्म है, तू प्यार से बात कर रही है, बुला, खून गर्म करके बुला, आओ दुश्मन को ले जाओ। इसका मतलब है मेरे देवर से झगड़ा कीजिएगा आप। आप बड़े मालिक है, हम लोग गार्जन है, वो छोटा नदान है। अगर वो तमाचा मारेगा तो मैं सह जाऊंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप बड़े होकर उस पर हाथ उठाइएगा उसका दिल टूट जाएगा। हरमजादी का भी दिल में हमदर्दी, उसके लिए हमदर्दी, मेरे लिए हरमजादी जिंदगी है तब तक रहेगी। कौन सा हमदर्दी, कैसा हमदर्दी का हरमजादी? मेरे लिए जब उसके दिल में हमदर्दी नहीं था तो उसके लिए हमारे दिल में कौन सा हमदर्दी? हरमजादी मालिक है तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे आकर के मेरे सिर पर मुतो तो मुतने के लिए देंगे। बुला भी, ये कोई लफ्ज नहीं निकालेगी हमदर्दी के बारे में, सिर्फ दुश्मन बन के खड़ी रहेगी, राज बंटवारा करेगा। अभी बुला, बुला भी, हमदर्दी जता रहे, हमदर्दी। बीच में कुबेर बाल को दो ना देवारा सदा खुश रहो देवर जी। ये आंख में आंसू, ये आंसू नहीं है, ये अमृत है, समझता हूं। बहुत बरसों से मेरे दिल में लालसा लगी थी कि कब मेरे देवर मेरी नजरों के सामने राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो सारी जिंदगी की अरमान मेरी पूरी हो जाएगी, यही खुशियाली की आंसू है। मुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई शौक नहीं है, फिर किस लिए तुम मुझे बुलाई है? आपसे 5 मिनट की मैंने वादा की थी। किया था, सारी वातावरण मैंने स्वामी जी को समझा चुकी हूँ।
आपका भैयारी राज बांटने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं आपको बुलाई हूँ। मिलती से शांति बनकर सावधान से अपने राज बांट लीजिएगा, झगड़ा झंझट नहीं कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? दुनिया की भाई साहब, दुनिया के लोग को भी पता ना चले कि ये राज बंटवारा किस लिए फिर दोबारा मुझे दरबार में बुलाए। रतन सिंह, मैंने तुझे बोला था ना कि मैं भी, मेरे पास भी पत्नी है, मैं अपने पत्नी से राय विचार दे करके उसके बाद राज को बंटवारा करके देंगे। लेकिन बहादुर, तुम अच्छी तरह जानते हैं, दोनों भाई जानते हैं कि ये राज के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं। बहादुर, एक शर्त है, शर्त मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे यहां से बनारस किला जाना होगा, और बनारस किला में पिताजी का दोस्त चाचा सैयद है, और नहीं तो अगर भैया अकबर होंगे तो भैया अकबर है, अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो कोई बात नहीं, भैया अकबर बरकरार होंगे। भैया अकबर से ये बोल देना कि राजमहोबा के खाता खेसरा बही कवाला रसीद वगैरह जो कुछ भी है लेकर राजमहोबा आने के लिए, और वह उसी को जानकारी है ये राजमहोबा के बारे में किसके नाम से। बहादुर, एक शर्त है, शर्त यही है कि अगर ये राजमहोबा तुम्हारे नाम से होगा, राजमहोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राजमहोबा छोड़कर के बाहर निकल जाएंगे। बहादुर, अगर नहीं ये राजमहोबा मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राजमहोबा छोड़कर के बाहर निकलना होगा। मंजूर है बनारस किला जाओ, नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिलके रह रहा उस तरह मिलके रहो। मुझे मंजूर है। मंजूर है, जा सकते हो। जा रहा। अरे यहाँ का बात भैया, यह हमारे छोरा रे बाबा बनारस किला का चोरी किया रे। अरे बारह कोसा चोरी बनारस रे पर गए रे सातवा समुद्र पर रे वही पर खबर जाना दूर घर बनारस को रे हम बस सैयद जिमीदार पकड़ा रहिया बदनामी ना हरिद्वार मैना लो डुबैया सुना लिया है काली गे मा काली गे सुब्र मैया बकसर बाली आई महाराजा का दरबार बार बात में बचिया बढ़ गए आई जोरी का ना मान हमार जोरी जोरी गोलिन करा पर या गे रुदल बाबूवान आगे बढ़िया की ना पाना रस्म ये दरबार में ना चाचा सैयद को देख रहा ना भैया अकबर को। ठीक है, मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूं। भैया या बस सुनिला यकबर सारा दार यकबेरा याजा भैया जी लाला बागलाम भैया हो सारी
सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार ते क्या जाने दी, आला ताला के दबा से समाचार ठीक है। अपने राज महोबा का समाचार बता। मेरा भी राज महोबा का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। चल तोरे आला ताला बरक कर दियो। क्या बात है, बड़ी हका सा पिया सा लिया भाई साहब। चाय पीबी? क्या चाय पीबी? तुम्हारे दरबार का और का तुम्हारे दरबार का चाय पिए? चाय पीने के लिए आए। अच्छा क्या बात है, बोलने पीबी दे। चाय भी पियेंगे। अच्छा बोल, आप जो कहिएगा वो भी करेंगे। मैंने आज राज बाबा को छोड़ करके आपके बनारस किला के अदालत में पधारे किस लिए क्यों आया हूँ? कोई देश का छत्री चाहे तो ऐसा कौन माइकल और पैदा लिया है कि मेरे राज्य में राज बाबा पसंद नहीं करेगा? फिर क्या बात है मेरे बोल। इंदल और अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा ओकरे भी? मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल सिंह मारते बिजली का कोड़ा से मेरे बेटा को सर्दी गर्मी उतार दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा ओकरे बाद? मेरे बेटा को जान से भी मार देता तो कोई तकलीफ नहीं रहता। अच्छा लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए। बंटवारा? हाँ, अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह ये सब बात चल चुकले है। हाँ भाई साहब। अच्छा मान गलिए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो तुरु भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे? जब बच्चा बोल दिया सर काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया? वो तो काट लल के बच्चा होकर के बोल के काट लल के। बस चलिए आप खाता खेसरा के साथ दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। कहाँ राज में आप बाजे? हाँ सुन, जो राज तोरे हम दे दलियो दोनों भाई का वो राज हमरे का लालची है। दोनों भाई में जो बंटवारा कर ले या न कर दे हमरे कोई मतलब न हो। क्या नहीं चाहिएगा? ना हम नहीं वो नहीं चाहिएगा ना भाई साहब का। अगर अभी इसी वक्त मेरे साथ राज मोहब्बत नहीं जाइएगा तो पहला गर्दन आपको काट देंगे। समझ गलिए? नहीं जाएगा। समझ गलिए कि महब्बा राज की महब्बे राज में रह जाइए बनारस की नाम झगड़ के भी तुरंत चल 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 चल। अरे तब महाराजा दया बकाला पकड़ा रहिया बदनामी चोरी कहना मनो हमार चोरी चोरी खोल कर लो जल बेला का दरबार पकड़ा रहिया बदनामी न चले बहादुर रुदल बाबूआ पकड़ा रहिया की ला मोहब्बत का देख रहे कि दरबार आज कितना सुना पड़ा है। सही कहली पूरी राज देखी एकदम। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। गोर लाए छे भाई जी। खुश रहो दुलीन, खुश रहो दुलीन। प
प्रणाम प्रणाम भाई साहब। खुश हो आला सिंह। प्रणाम चाचा जी। खुश हो इंदर सिंह। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब न है, दस गो हाथ वाली वही सब लगा है, मिट्टी का मूर्ति सब है खरा। आ कोई कुछ न बोला है कमांडू का देश लल के घेर। ए मिनिस्टर साहेब, आप जो बनारस से चल के मोबी किला की अदालत में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम के उचित फैसला उचित हक हिस्सा दिला के जाइए। सलाट या सलाट, एक बार हमारे सामने में जवाब नहीं करो। बड़े बड़े चौदह मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता। तूने जात का एक औरत होकर के हमारे सामने में सटा सट जो लगे छे मोदी जी एलखिन है। आप की करिए मौलवी के रीले लसे गेले। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ के मोहमी किला पधारे हैं उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हमारे सामने में बात करती है। कैसे आठ ओंग मोड़ के थोड़ा घूंघट मार कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस किला छोड़ के महब्बा राज पधारे हैं आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कैसे नीचे खंडर घर का बेटी है, कैसे तीता खंडन घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब रू मैं दुखी दिखी रहता हूं क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर के मानसी तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से दीवारी स्थान में टीवी टार्बल मैंने लगवा दिया हूं। मेरा ऐसा कलम के झटका लगा कि 17 नंबर देखिए पुल बनवा दिया हूं सहरसा से लेकर के यहां तक कि ताकि नहीं पब्लिक लोग को दिक्कत नहीं होगी। और देखिए पब्लिक लोग उधर गाछी गाछी जरना बिस्ती थी, ऐसा मेरा कलम के झटका लग गया कि घर घर मैंने गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। जिसको अगर रास्ता नहीं था मैंने सोलिंग बैठवा दिया ताकि पब्लिक लोग को दिक्कत नहीं हो। और क्या सुनिए, डीलर अड़वा चावल लाता था,
पब्लिक लोग को खिलाता था, नमूनिया तफर पकड़ लेता था, ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है, पक्की चावल मैंने मंगा रहा हूं। और हम भी कहते मिनिस्टर साहब किया ना, हमें देखो उगार के बोल लिए तो हर जाए घर के बेटी भाग लिए, तिथा खानदान के बेटी भाग लिए, बोनियरवा घर के बेटी भाग लिए, और घोगली जे घोग तन का भोग लगल के और ढिरवा के ए आला सिंह, ए आला सिंह समझ गया इसका मतलब, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, यही बात ना है, वो भी तो औरतें हैं रे, कहां बोलती है। ऐसा कर आला सिंह, जा करके चूल्हा तर बैठ करके रोटियां बेल और अपनी पत्नी को खिला। ए भाई साहब, इसका आवाज सुनने के बाद आपको तिक्खा लगा है ना, शायद अगर उसका आवाज सुनने तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम के बात कीजिए। फ्यूज उड़ रही है तो ठीक है, भाई ईमानदारी भयारी हक हिस्सा है, एक करी अगर इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए पूरे अंडा को आज गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, पूरे अंडा को जो गंदा करती है, बताइए मुर्गा जो अंडा देते हैं, बताइए बताइए मुर्गा जो अंडा देते हैं। ए बलबी साहब, क्या मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं देता है। ओ, मुर्गी अंडा देती है, मैं तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। ठीक है सुन रहा हूं, कहां गए अरे 1353 रुदल सिंह और आला सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन लिए, किस रोज की बात है। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था, रुदल सिंह झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को पूजा के बहाना से चोरली किला से मारो किला बुला लिया और तुम्हारे पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोरली किला पर छापा मारी कर दिया, अनेकी निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने दोनों भाई को घोड़ा के टाप पे बांध करके घिसियाते मारो किला से, सोरली किला से मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा के धुआं कश की दिखाया। दोनों भाई गरम घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ कहती है दुर्गा महारानी से अर्जुन विनती की देवी ये दोनों बेटा को गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में महारानी डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई, खाना के बदला में बिजली कुर्रा देता था और पानी के बदला में लात जूता चलाता था। किला के छतरी तीनों माँ बेटा को बिलवा के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, मैंने रख लिया। फिर तुम्हारी माँ कहती एक बार ये रुदल सिंह को ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत थक गया कि तुम अमानत ले ले। मैं बोला दोस्त मैं मुझे अमानत दे दे। आला सिंह को मैंने कलमे से नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया स्कूल में। आला ताला ने मुझे साथ हाथी का ताकत दिया था, 18 बीघा का मेरा रण क्षेत्र था, गडका गुडका बाना सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया और रुदल सिंह के साथ मैंने लड़ते लड़ते मैंने रुदल सिंह के साथ हार गया, यानी कि सातों हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जाए अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप की चाय बना के लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह यहां से गया और खाली हाथ ने वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ, रुदल सिंह ने जवाब करते कहा भैया अपने गोदाम में नहीं चीनी है ना चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला अरे बेहूदा कल तो टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया था, हुआ क्या। रुदल सिंह ने जवाब करता है कहा भैया ये धरती फाड़ के नीचे गया
ये आसमान फर्क पे गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने थोड़ा सा बिगड़ के बोला क्या हुआ, रुद्र सिंह ने मुझे कालर थम लिया। अरे भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए जा रहे और बोल रहे अब्बू को इस तरह का।